दोस्तों ऐसा मेरे जिंदगी में पहली बार हो रहा है और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह की जगह है ये, वो देखिए। सलाम नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूँ साहिदुल आलम और आप देख रही है विदेशी बंधु। तो नदिया जहाँ से शुरू होता है वहाँ तक मैं आ गया हूँ और आप लोगों को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये पहाड़ी काफी खूबसूरत नदी है। इस नदी का पानी को आप देख सकते हैं किस तरह से बह रहा है। और मेरे सामने जो है ये हमारी ही स्टूडेंट्स है। तो कुल मिला के बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, पहाड़िया हरा भरा जगह है यहाँ पे। तो मैं आगे जाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। थैंक यू सर। ये हमारा असिस्टेंट प्रिंसिपल है अब्दुल हलीम और बाकी हमारा 17 है। हाय। थैंक यू, सबको धन्यवाद। खूबसूरत नज़ारा, झरना बहता हुआ दूर वहाँ से पहाड़ी से आता हुआ, वहाँ से बिल्कुल काफी दूर से आ रही है, वहाँ है पहाड़ी, पहाड़ी के बीच में से निकलता हुआ। सारे एक बार बाय बाय कर दीजिए। थैंक यू। यह झरना है, काफ़ी ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर। अभी भी लगता है कि ओस गिर रहा है वहाँ पर दूर जो पहाड़ी है। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, बिल्कुल गुफा की तरह है यहाँ पर, ये देख सकते हैं। और यहाँ से पानी आ रहा है वहाँ, अब काफ़ी अंदर से पानी आ रहा है यहाँ पे। और देखिए सब पत्थर है यहाँ पर, टूटा हुआ है। ऐसा लगता है कि प्रकृति का ये बहुत अपरूप निर्माण है। आप अगर यहाँ पर आए हैं कभी तो देखिएगा चेचा का ये इलाका है, वहाँ दूर ऐसा लगता है यहाँ टूट के गिरा होगा यह पहाड़, यहाँ से पत्थर टूट के नीचे गिर गया होगा। लेकिन हालांकि यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, पानी में बह गया होगा। लेकिन बहुत ही खूबसूरत है यहाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये बहुत खूबसूरत है, ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ जंगली जानवर भी होता है इसलिए थोड़ा सावधान मुझे रहना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन जो भी हो बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर चेचा पर, मुझे मालूम नहीं था। हालाँकि पहले एक बार मैं चेचा में आया था लेकिन ऐसा इतना अंदर तो मैं नहीं गया। ये किस तरह से बह रहा है देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और मैं आप लोगों को और दूर ले जाता हूँ। और इधर एक गुफा भी है, देखा था आप लोगों को शायद, यहाँ पर पुराने ज़माने में निर्लोक भी होता है ऐसा लगता है। बहुत ही, मैं इसके पास तो नहीं जा सकता लेकिन इधर थोड़ा अंदर भी है ये गुफा। यहाँ हालाँकि तेज यहाँ पर झरना बह रहा है और तेज झरना के पास पूरे ही दूर पर ये गुफा है। ये गुफा आप देख सकते हैं और ऐसा लगता है कि यहाँ किसी ने जानबूझकर इसको बनाया, ऐसा कुछ महसूस होता है। बहुत खूबसूरत यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला। ये है जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, यहाँ गुफा है, पानी तो पकता हुआ यहाँ से, पर बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अब ऊपर देख सकते हैं, ये देखिएगा आप लोग, यहाँ पानी भी है, ये पानी यहाँ से बहुत खूबसूरत मीठा, इसका स्वाद कैसा होगा। हाँ बहुत मीठा पानी है यहाँ पे। मैं आगे लगा जाऊँगा आप लोगों को, और आगे आप हम जाएंगे यहाँ पे। मैं एक पत्थर से दूसरे पे जाम लगा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ झरना काफ़ी तेज़ी से बहता हुआ, काफ़ी तेज़ी से झरना बह रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। काफ़ी तेज़ी से झरना यहाँ से आता हुआ, देखिए आप लोग मैं क्या कर रहा हूँ, एक से दूसरे पत्थर पर मैं जाम लगा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए यहाँ पे आ गया, ऐसा लगता है यहाँ कुछ पक्षी भी रहते होंगे यहाँ पे। हालांकि यहाँ पर ये जो बटल सटल फेंक के रखा गया है ये करना नहीं चाहिए, यहाँ पर प्रकृति की भूमि को विनष्ट करना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसा है जो ये सब बहुत करते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को और भी दिखाऊँगा आगे, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से झरना यहां से बहता हुआ दूर वहां से आ रही है। हम कोशिश करेंगे नदी कहां से निकलते हैं वहां से दिखाने के लिए। ऊपर वाला ने क्या खूब बनाया है, जितना भी तारीफ करें उतना कम है। ऐसा लगता है कि प्रकृति को जितना आप देखेंगे उतना ही और ज़्यादा देखने को दिल करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। वाह, यहाँ मुझे चिल्लाने को दिल कर रहा, देखिए आप लोग क्या नज़ारा है। ये आप देख सकते हैं कितना तेज़ी से झरना यहाँ से बहते हुए आ रहा है।
तो चलिए हम और भी आगे जाते हैं। ये देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर झरना बहता हुआ, काफ़ी तेज़ी से पानी आ रही है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल अटकल की तरह जो जगह है मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही रेयर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हाँ, इतना खूबसूरत जगह है यहाँ पर, जितना भी तारीफ कीजिए उतना कम है। तो आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नदियाँ शुरू होता हुआ इन दोनों पहाड़ों के बीच में से, काफ़ी ठंड पानी है इसलिए शायद इससे का नाम है चेचा। यहाँ पे जंगली लोग हो सकते हैं या जंगली जानवर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जगह काफ़ी रियर महसूस होता है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं लगता है कि यहाँ पे कभी जंगली जानवर आया होगा। ये देख सकते हैं पेड़ का निशान, ये पेड़ का निशान, ये तो बिल्कुल इंसान का नहीं है। ये आप देख सकते हैं ऐसे लगता है कि बिल्कुल कुत्ते के जैसा निशाना है। ये देख सकते हैं ये तो बिल्कुल इंसान का पैर का निशान नहीं है। थोड़ा सा डर भी महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आगे जाने की कोशिश करता हूँ। गुफा कैसा जैसा लगता है, यहाँ पे हो सकता है कि लोग यहाँ पर जंगली लोग भी हो या जंगली जानवर भी हो, यहाँ ऐसा हो सकता है। लगता है जंगली जानवर यहाँ पर पानी रात के वक्त जब होता है पानी पीने के लिए आता होगा। देखिए वाह क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर दोस्तों, देखिए देखिए और महसूस कीजिए, बहुत खूबसूरत है, बहुत रेयर है यहाँ पे। क्या कुदरत का करिश्मा है यहाँ पे, ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ वादियाँ, ये पहाड़ों से गिरता हुआ झरना पानी। और थोड़ा डर भी महसूस हो रहा है कि कुछ अनहोनी यहाँ पे कोई जंगली जानवर ना आ जाए, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कोशिश। यहाँ से बिल्कुल अब सामने देखिए, बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं यहाँ से ये नदियाँ निकल के आते हैं, वहाँ भी लोग हो सकते हैं ऐसा महसूस होता है। अब देखिए तितलियाँ भी यहाँ, और यहाँ तो बिल्कुल गुफा के जैसा हो गई आगे, आप देख सकते हैं वो जो है बिल्कुल गुफा के जैसा। अभी भी अकेले जाने का वो तो मुझे डर महसूस हो रहा है, तो देखता हूँ मेरे साथी लोग आते हैं उसके बाद जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे, दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो बिल्कुल छोटा लग रहा है, ऐसा लगता है कि वहाँ एकदम छोटा हो गया है झरना, वो आप देख सकते हैं बिल्कुल गुहा की तरह, वाटरफॉल की तरह नज़र आ रहे हैं। तो मैं वहाँ तक जाऊँगा, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ वो जो जगह है वहाँ मुझे बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अनेका रिफ्लेक्शन यहाँ पर जिसे बोलते हैं वो हो रहा है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल देख सकते हैं। और मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये, मेरे साथ बनी रही और देखिए बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। अब आइए और देखिए बहुत खूबसूरत है, क्या क्या धीरे धीरे पानी बढ़ता हुआ, धीरे धीरे आगे पानी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिसका कपड़ा ऊपर उठाओ नहीं तो मत आओ यहाँ पर, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकता है तो सावधान रहे। बिल्कुल आप दोस्तों ऐसा मैं तो जिंदगी में पहली बार हो रहा है, और आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं किस तरह की जगह है ये, वो देखिए मैं सामने साइड देखता हूँ, पानी धीरे धीरे बढ़ता हुआ सारे, यहाँ तो पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जिंदगी में पहली बार मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत खूबसूरत जगह में मैं आ गया हूँ। क्या पहाड़ी है, क्या वादियाँ है, वो उसके आगे भी अब देखिए, और आगे नहीं जाऊंगा दोस्तों, यहाँ पर ही मैं अपना समाप्त करना चाहता हूँ वीडियो। और आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है।